नमस्कार दोस्तों, आरएस प्रीलिम्स की एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। कोल डैम परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो कोल डैम परियोजना कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न है, नाथपा झाकरी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह है सतलज नदी पर, ऑप्शन डी सही रहेगा। फिर तीसरा प्रश्न है, भारत व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना अंतर है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 382, और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। तो 382 में से 200 घटाएंगे तो 182 आएगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। फिर चौथा प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। मैंने आगे जो जनसंख्या है वो भी लिख दी है। तो सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 0.06 करोड़, और गोवा की जनसंख्या कितनी है? 0.14 करोड़, और मिजोरम की 0.10 करोड़, और अरुणाचल प्रदेश की 0.13 करोड़। तो ये सबसे कम है सिक्किम की, ऑप्शन ए सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। फिर पाँचवा प्रश्न है, अनातोलिया पठार कौन से देश में स्थित है? तो ये स्थित है तुर्की के अंदर, इसको तुर्की का पठार भी बोलते हैं, ऑप्शन ए सही रहेगा। छठा प्रश्न लेते हैं, सोनोरम रेगिस्तान कौन से देश में स्थित है? तो सोनोरम रेगिस्तान यूएसए और मेक्सिको में स्थित है, ऑप्शन बी सही रहेगा। फिर सातवां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कब हुआ था ये? 1526 के अंदर हुआ था, ऑप्शन बी सही रहेगा। फिर आठवां प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही रहेगा। फिर नवा प्रश्न लेते हैं, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को, तो 17 नवंबर ऑप्शन सी सही रहेगा। फिर दसवा प्रश्न है, लास्ट वाला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माणकर्ता कौन है? तो ये दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने करवाए थे एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण, ऑप्शन ए सही रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके जो सजेशन या व्यूज़ हैं वो। चलिए धन्यवाद।